हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। करते हैं स्क्रू गेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ना, स्क्रू गेज द जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल एज शोन इन फिगर। तो ये मेन स्केल है आपके पास, ये सर्कुलर स्केल है आपके पास, ये ज़ीरो है मेन स्केल का और ये ज़ीरो है आपके पास, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो आपके पास सर्कुलर स्केल का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये फिफ्थ डिवीजन है सर्कुलर स्केल का, ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो यहाँ पे सब आगे हम रीड करें तो द सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज आर 50। तो ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें टोटल 50 डिवीजन्स हैं, तो अपन नोट कर लेते हैं। तो टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल में 50 हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन वन रोटेशन। तो मैं अगर सर्कुलर स्केल को घुमाऊँ ना, यहाँ देखो आप, ये सर्कुलर स्केल है, अगर मैं इसको एक बार रोटेशन दूँ तो ये कुछ आगे मूव करती है लीनियर या मेन स्केल पे। तो जितना ये आगे या मूव करती है एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल, उसी को हम पिच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है इट मूव्स 0.5 mm, तो ये 0.5 mm ही पिच हो जाएगी हमारी। और ये जो 0.5 mm है ये इस लीनियर स्केल, ये जो हमारी लीनियर स्केल है इसके एक डिवीजन की लेंथ के बराबर भी है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास गिवन डेटा से हम लोग लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, पिच 0.5 है, सॉल्व करेंगे तो 0.01 mm हमारे पास लीनियर स्केल लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब बात करें जब हमारे पास जो सर्कुलर स्केल होता है, ये देखो सर्कुलर स्केल है, इसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो अगर नीचे रह जाता है तो जो हमारे पास एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर चला जाता है तो हमारे पास एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। तो क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो नीचे है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ज़ीरो एरर होगा, हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अच्छा, ज़ीरो एरर का जो मेजरमेंट है वो कैसे निकालेंगे, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना मेन स्केल के ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो एक स्केल का डिवीजन, डियर स्टूडेंट, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन लीस्ट काउंट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिवीजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं, 5 डिवीजन्स। तो 5 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के बराबर है। तो एक डिवीजन की मेजरमेंट इतनी है, तो 5 डिवीजन्स की कितनी होगी, 0.05 mm। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो एरर भी निकाल लिया। आगे हमको क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर ऑफ बॉल कितनी है। तो इस वाले फिगर में देखो, अब यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पे हमने एक बॉल लगा दी, इसकी डायमीटर पूछ रहे हैं। तो रीडिंग जो होगी डायमीटर की वो क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। अब मेन स्केल की रीडिंग हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो देखो, एक डिवीज़न, 2 डिवीज़न, तो 2 डिवीज़न्स हैं अपने पास किसके, मेन स्केल के। मेन स्केल का एक डिवीजन कितना उसका मेजरमेंट होता है, उसका मेजरमेंट होता है पिच के बराबर, जो कि 0.5 है। तो हमारे पास 2 डिवीज़न है मेन स्केल के, तो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 2 × 0.5। सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो डिवीजन्स कितने कोइंसाइड कर रहे हैं ज़ीरो के साथ, 25 डिवीजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं ना मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 डिवीजन्स आ जाएंगे सर्कुलर स्केल के। और सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न किसके बराबर होता है, सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो 25 डिवीज़न्स किसके बराबर हो जाएंगे, 25 × लीस्ट काउंट यानी कि 0.01। तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हमको ज़ीरो एरर निकालना है, ज़ीरो एरर हम निकाल चुके हैं, ज़ीरो एरर हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे, प्लस 0.05, और ज़ीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.20 mm हमारा आंसर आ जाएगा। इफ़ यू लाइक दी क्वेश्चन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और भी आपने स्क्रू गेज के क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आप फोल्डर देख सकते हैं, बहुत सारे आपको स्क्रू गेज के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको देख के आपका कंसेप्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।